अगर बात की जाए पैसिव इनकम की, तो सबके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है ब्लॉगिंग, या इसके बाद जो लोग ज्यादातर लोग जानते हैं वो जानते हैं यूट्यूब। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए 100% पैसिव इनकम प्रोवाइड करती हैं। मतलब आप कहा जाए तो जो आप आज कंटेंट दे रहे हो उसकी भी आपको अर्निंग होगी, और जो आप ऑलरेडी बना चुके हो उसकी भी आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग आती रहेगी। यहाँ पे ब्लॉग एक ऐसी चीज है, मतलब कहा जाए तो मेरा जो ब्लॉग है, इस एक ब्लॉग से मैं तकरीबन $600-700 के आसपास मैं इससे निकाल लिया करता हूँ बड़ी आसानी से। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है वो कंटेंट मैं सिंपल सा मोनिटाइज करता हूँ, दैट्स इट। मोनिटाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एड्स की बात करें तो एड्स के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूं कि एड्स से ही मैं तकरीबन $500-600 कमा लेता हूं। इसके अलावा देखा जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, तो ये बहुत सारी और भी ऐसे तरीके हैं जिनसे आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे अभी जो एक लास्ट मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था उसका कॉस्ट मुझे कितना मिला था, वो था $50। उसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी यहां पे लगा दूंगा, वो आप देख लेना कि सिंपल सा एक ब्लॉग पोस्ट करने के लिए कंपनियां $50 तक दिया करती हैं। ऑब्वियसली बात है उसमें से मुझे तकरीबन $48 करीब आया था, $1-2 पेपाल ने काट लिया था, लेकिन कहने का मतलब यह है कि $50 तक आपके ब्लॉग के लिए कंपनियां दे सकती हैं। इसके अलावा $10-15 तो कोई भी दे दिया करता, लेकिन बात की जाए थोड़े से बड़े की तो आप ये समझ लीजिए कंपनियां $50 तक देने के लिए तैयार रहती हैं। डिपेंड्स ऑन आपके ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक है। अगर आपके ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, वो भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए थे कि आप स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हैं। गेस्ट पोस्ट के लिए, ब्लॉगिंग के लिए जो कंटेंट मिलता है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट आप कहां से ले सकते हैं, वो सब भी मैंने वीडियो आपके लिए बना के दिए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब आपको जो भी चीज चाहिए है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सिर्फ मान लीजिए आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट चाहिए है तो यहाँ पे सिंपल सा आपको स्पॉन्सर्ड यहाँ पे टाइप करना है, तो आपको स्पॉन्सर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं $15 पर पोस्ट का जो मुझे यहाँ पे चार्जेस मिले हुए थे वो भी मैंने यहाँ पे पेमेंट प्रूफ के साथ में ये चीज मैंने बताई हुई थी। तो आप ये समझ के रखिए कि एक ब्लॉग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ वीडियोस में आपके लिए बताया था कि ब्लॉगिंग एक ऐसा मीडियम है जो आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्लॉग आपका एक जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं अगर आपका ब्लॉग नहीं होगा तो आपको अप्रूवल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ब्लॉग एक जरूर बना लीजिए, चाहे आप फ्री में बनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप फ्री में एक बहुत शानदार ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने मेरा ऑब्वियसली बात है ब्लॉग देखा होगा, ये भी आप देख सकते हैं anantviasoni.in, ये मेरा ब्लॉग है यहाँ पे। इसके अलावा मैं अपने और भी ब्लॉग्स आपके लिए दिखा दिया करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दिखाई दे रहा है हैंड्स फॉर इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने जो मोनिटाइज करके रखा हुआ है वो एडसेंस से करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं माउस लेके गया तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी एड्स बाय गूगल, तो ये जो एड्स आ रहे हैं ये गूगल के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको जो मोनिटाइज करना है वो गूगल एड्स से करना है, ठीक है। तो इसी टाइप का ब्लॉग अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, यहां पे मैंने एक ऑलरेडी एक ब्लॉग भी लिख के रखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग फॉर फ्री एंड मेक मनी इन 6 इजी स्टेप्स, मतलब 6 स्टेप्स हैं, टोटल 6 स्टेप्स ही होते हैं, बाकी यहाँ पे मैं स्टेप भी आपके लिए दिखा दिया करता हूँ। जैसे आप स्टेप नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो है कि आपको सबसे पहले ऑब्वियसली बात है अपनी ब्लॉग का नेम चाहिए है और एक निश चाहिए है, ये दोनों चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपके लिए पूरा कंप्लीट यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपका पूरा कंप्लीट ब्लॉग आज रेडी हो जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस करके और सारी चीजें देखना है। अगर मैंने कोई चीज बोली है तो आपके लिए वहां पे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देना है, वो चीज आपको कर लेनी है, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो पूरा वीडियो देख लो,
और फिर उसके बाद आप कर सकते हो। यहाँ पे जिन चीजों की हमको जरूरत पड़ने वाली है, ऑब्वियसली बात है, पहला आपको नाम चाहिए, तो नाम आप एक कस्टम डोमेन ही खरीदना। कस्टम डोमेन आप चाहे गोडेडी से खरीद सकते हैं या और भी किसी साइट का, मैं आपके लिए नाम दे दूंगा, वहां से जाके आप डोमेन भी परचेस कर सकते हो। डोमेन आपके लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, ऑब्वियसली बात है, ब्रांडिंग आपके लिए पता है कि कितनी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए मेरा नाम ही है तो मैंने सिंपल सा अपने नाम को ही खरीद लिया। अगर आपका नाम सुनील है तो सुनील ट्यूटोरियल्स, सुनील टेक, ऐसा भी आप खरीद सकते हो। तो डिपेंड ऑन, आप चाहो तो अपने नाम के साथ भी खरीद सकते हो। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि वो अपने नाम के आगे या पीछे टेक्निकल लगा लेते हैं, तो उस टाइप से भी आप खरीदना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। या फिर अगर आप सिंपल सा नाम लेना चाहें, जैसे मैंने लिया अनंत विजय सोनी, तो ऑब्वियसली बात है मेरा नाम है तो मैंने उसी नाम से बना लिया। यहां तक कि मेरी जो कंपनी है वो भी ABS टैग करके है, क्योंकि ABS स्टैंड्स फॉर अनंत विजय सोनी, तो उस नाम से मैंने बना लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए एक नाम फाइंड करना है। सेकंड जो चीज है निस, मतलब कहा जाए तो नाम आपको तभी फाइंड करना है जब आपका निस बन जाए। मान लीजिए आप अगर किचन के लिए बना रहे हैं तो किचन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका नाम कविता है या आपका नाम शंकर है, तो आप क्या कर सकते हैं, शंकर्स किचन या कविताज किचन, या कहा जाए आपका नाम ज्योति है तो आप कर सकते हैं ज्योतिष किचन, है ना, या ज्योतिष रेसिपीज। तो जो भी आपका नाम है उसके हिसाब से उसमें निस को मिक्स करके आप एक अच्छा खासा नाम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गई कि आपको नेम कैसे जनरेट करना है। आपको अपने निस को और नाम को, इन दोनों को मिला के आप एक अपना वेबसाइट का नाम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बता दिया कि किचन है तो आपको कैसे करना है, अगर आपका टेक्निकल टाइप का है या हेल्थ टाइप का है तो उसके लिए आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस ब्लॉग में मैंने वो सारे तरीके भी बताए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ टूल्स भी यहाँ पे सजेस्ट किए होंगे कि कौन से टूल्स का आप यूज करके ये चीज कर सकते हैं। सेकंड जो चीज है कि आपके लिए एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चूंकि हम जो बनाने वाले हैं, हम ब्लॉगर में बनाने वाले हैं, यहाँ पे आपके लिए किसी भी होस्टिंग की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैं आपके लिए बोलता हूँ कि फ्री होस्टिंग में मत जाना, वैसे मैंने आपके लिए कुछ बेस्ट फ्री वेब होस्टिंग बताई थी, जैसे आप यहाँ पे सिंपल सा सर्च करेंगे फ्री होस्टिंग, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बेस्ट एंड फ्री वेब होस्टिंग थी वो मैंने आपके लिए बताई थी। लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंग में अभी के लिए नहीं जाएं, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली बात है अगर पैसा है तो उसके लिए भी मैं एक और ट्यूटोरियल दे दूंगा, आप वहां पे वर्डप्रेस में भी बना सकते हैं। लेकिन जो आज की ट्यूटोरियल है हमारी, आज की ट्यूटोरियल है कि आप ब्लॉगर में कैसे बना सकते हैं 100% रेडी ब्लॉग, और चाहें तो आप उसको आज के आज ही आप एडसेंस में भी भेज सकते हैं। थर्ड जो चीज है कि आपके लिए थीम की एक जरूरत पड़ेगी, तो थीम के लिए आपको क्या करना है, एक ये साइट है गोयाबी टेम्पलेट्स करके, आप इसको चूज कर सकते हैं या फिर मैं आपके लिए लिंक दे दूंगा और भी मैं फाइंड कर लूंगा। ये मैंने पर्सनली इसको बहुत ज्यादा यूज किया है इस साइट को, बाकी मैं कुछ और साइटों की भी लिंक दे दूंगा तो आप वहां से भी जाके अच्छे खासे टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पे सर्च कर लेना कि जो तीन उन्होंने बना के रखे हैं, रिस्पॉन्सिव फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट और SEO फ्रेंडली टेम्पलेट, तो ये सिर्फ तीनों इन्होंने कैटेगरी बना के रखी है। बाकी अगर आप इनको देखेंगे तो ये तीनों चीजें सभी में अवेलेबल है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है सभी के फ्री वर्जन अवेलेबल है, सभी आपके लिए मोस्टली यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मिलेंगे और SEO फ्रेंडली भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी एक चूज कर लेना। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे ओपन किया है मैगो ब्लॉगर टेम्पलेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ये वाला जब मैंने ओपन किया यहाँ पे आपको एक लाइव प्रीव्यू का बटन भी रहा करता है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि आपका ब्लॉग किस टाइप से दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ब्लॉग कुछ इस टाइप से बन सकता है A to Z सेम लेआउट में। यहाँ पे मैंने एक और दूसरा टेम्पलेट खोल के रखा है स्टोरीफाई करके, ये एक और आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हैं लाइव प्रीव्यू का आपके लिए बटन दिखाई दे रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके लिए ब्लॉग दिखाई दे रहा है। ये कहा जाए तो पूरा कंप्लीट ब्लॉग आपका ऐसा ही बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना शानदार है, कहा जाए तो ये वर्डप्रेस में लोगों के ऐसे बनते हैं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। मतलब आप ब्लॉगर में भी एक बहुत शानदार बना सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी नहीं बता सकते
कि ब्लॉगर में बना है कि वर्डप्रेस में जब तक कि आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ना छोड़ दें या फिर आप उसमें कस्टम डोमेन नहीं लगाते हैं तब भी लोग ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का आपका रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एड स्पेस भी इसमें दिए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एड स्पेस के लिए दिया हुआ कि यहाँ पे आपका एड दिखाई देगा और आपका आप चाहे तो हेडर में भी एड लगाना चाहें यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद जब हम किसी भी ब्लॉग को ओपन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्लॉग के अंदर भी आप साइड बार में लगा सकते हैं या नीचे वगैरह लगा सकते हैं, बहुत जगह इन्होंने दिए होंगे स्पेस, वहां पे सभी जगह पे आप एड्स लगा सकते हैं। जैसे हम इसको करते हैं ओपन तो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक एड साइड बार में दिखाई दे रहा है, एक एड आपका फुटर में दिखाई दे रहा है। तो जो भी टेम्पलेट आपके लगता है दोनों बहुत ही शानदार हैं और इसी टाइप के हजारों टेम्पलेट यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं फर्स्ट पेज पे हूं और आप यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो हजारों टेम्पलेट आपके लिए मिल जाएंगे। मान लीजिए मैंने SEO रेडी टेम्पलेट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पेज है और लास्ट पेज अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 86 पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा था मैंने देखा नहीं, तो 86 पेजेस हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 86 में एक में तकरीबन 10 या 12 करीब रहे होंगे, तो तकरीबन आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि हजारों टेम्पलेट हैं। इनमें से जो भी आपके लिए परफेक्ट लगता है वो आपको उसके पेज पे जाना है। पेज पे यहाँ पे एक बाय लिंक रहेगी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा आपको जो डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मुझे ये वाले से ज्यादा ये वाला मुझे ज्यादा पसंद आया है, ये थोड़ा सा ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और चीजें इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ ही जाता हूँ और मैं इसको कर लिया करता हूँ यहाँ से डाउनलोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपके लिए फाइल मिल गई। जब हम इस फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फाइल है ये आपको इस टाइप से सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। यहाँ पे एक इन्होंने लोगो भी आपके लिए बना के दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है आपको अपना खुद का अपने हिसाब से बनाना है, वो भी कैसे बनाना है मैं बताऊंगा। इस टाइप की आपको फाइल मिल जाती है, सारा कंटेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो थर्ड जो चीज थी वो हमारी थर्ड चीज भी यहाँ पे पूरी हो गई है कि आपके लिए एक टेम्पलेट या थीम चाहिए है, तो वो चीज भी यहाँ पे पूरी हो गई है। अब यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं वो बाकी चीजें मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको ब्लॉग स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जाना है आपको blogger.com में और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का लेआउट आपके लिए कुछ दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं blogger.com में है हम और यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर ब्लॉग। जैसे ही आप साइन इन पे करेंगे या क्रिएट योर ब्लॉग पे करेंगे आपको यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है जीमेल आज की डेट में सभी के पास है, अगर नहीं है तो आप बना लेना। वो कैसे बनाना है वो आप गूगल कर लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो वैसे मुझे पता है कि आपके पास जीमेल भी होगा। अब मान लीजिए आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका ऑलरेडी एक कोई ब्लॉग बना हुआ है तो आपको कुछ इस टाइप का लेआउट दिखाई देगा। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है और आप यहाँ पे नया बनाना चाहें तो यहाँ पे आपको एक न्यू ब्लॉग का ऑप्शन आता है। सिंपल सा आप न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे एक टाइटल पूछा जाता है कि आपको अपने ब्लॉग का नाम क्या रखना है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप किचन के लिए बना रहे हैं तो जैसे अनंत किचन रख दीजिए, या फिर आप ABS टेक्निकल रख सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर चाहूं कि ABS टेक्निकल, अब यहाँ पे अनंत विजय सोनी टेक्निकल जो है वो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा अनंत टेक्निकल कर दिया करता हूँ कि ये मेरे ब्लॉग का नाम रहेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे एक एड्रेस डालना है, जो आपको सब डोमेन है वो आपको फ्री मिलता है, देन कस्टम डोमेन आप बाद में भी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एड्रेस डाल दिया करता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा अनंत टेक्निकल, ऑब्वियसली बात है ये शायद अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लिया करते हैं, ये चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं अनंत विजय टेक्निकल कर दिया करता हूं। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया This blog address is available, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सर्च कर लेना है, जो भी अवेलेबल हो वो आपको ले लेना है। देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और जो आपका एड्रेस बन गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ब्लॉग यहाँ पे रेडी हो गया। मतलब कहा जाए तो 100% नहीं लेकिन आपका 80% काम हो गया कि आपका ब्लॉग बन गया।
यहाँ पे जो नीचे आपको व्यू ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का आपका एक लेआउट आ गया। अब ये लेआउट चेंज कैसे करना है, तो लेआउट चेंज करने के लिए आपको जो मैंने थीम यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, इनमें से कोई भी एक थीम जो भी आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली होगी अभी तक, तो वो जो थीम है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है थीम्स में। थीम्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे दो तीन टाइप से आप कर सकते हो, मैं आपके लिए दोनों बता दिया करता हूं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो काम आपके लिए करना है यहाँ पे कर लेना है आपको स्विच टू फर्स्ट जनरेटेड क्लासिक थीम। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा स्विच कर देना है, ऑब्वियसली बात है ये मेरा ब्लैंक टेम्पलेट है तो इस टाइप से आपका ये चीज स्विच हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो रीस्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक किया और यहाँ पे जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उस पे हमको जाना है, तो वहां पे कौन सी फाइल अपलोड करना है ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अपलोड पे मैंने क्लिक किया और अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारी थीम थी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपके लिए थीम दिखाई दे रही है जिसका नाम है XML करके। ये आप देख सकते हैं .XML करके जो फाइल है इसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रीस्टोरिंग थीम हो रही है और जैसे ये थीम रीस्टोर हो जाएगी, मतलब कहा जाए तो नई थीम हमको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम इसको रीस्टोर करना बोलते हैं। तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं एक मैसेज भी आ गया कि आपकी थीम रीस्टोर हो चुकी है। और अभी हम फिर से यहां पे ब्लॉक को चेक करते हैं कि हमारा ब्लॉक कैसे दिखाई दे रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं पूरा लेआउट ही हमारे पूरे ब्लॉक का चेंज हो गया है और जो लोगो वगैरह था वो भी सारी चीजें ऑब्वियसली बात है आ गई है। अब यहां पर जो काम बचता है वो काम बचता है सबसे पहला है कि आपको लोगो चेंज करना है। तो लोगो चेंज करने के लिए आपको लेआउट्स में जाना है। लेआउट्स में आपके लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, जो भी चीजें आपको चेंज करना है वो सारी चीजें आपको लेआउट्स में ही मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमने डाउनलोड किया था इसमें आपके लिए एक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हाउ टू इंस्टॉल अ ब्लॉगर टेम्पलेट और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है इसका वो भी आपको इसके साथ मिला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरीफाई वेब डॉक्यूमेंटेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए वो सारी चीजें बताएंगे कि क्या क्या चीज आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे पूरा लेआउट लेके आ सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता के रखी हुई है। तो पहला जैसे कि मैंने आपके लिए काम बोला है कि पहला जो हमको काम करना है कि यहाँ पे लोगो हमारा चेंज करना है। लोगो चेंज करने के लिए क्या करना है, आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर एक आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हेडर लोगो का, तो सिंपल सा आपको यहां पे हेडर लोगो पे जाना है और यहां पे जो आपको एडिट का बटन दिखाई दे रहा है इसको आपको एडिट करना है और यहां पे आपको एक इमेज लगानी है। इमेज आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो आपको जो यहां पे इमेज बनानी है वो इमेज आपको किस साइज की बनानी है, तो यहां पे आप जाएंगे और यहां पे जो आपको ये दिखाई देगा, मतलब कहा जाए तो जो इन्होंने डिफॉल्ट लोगो बनाया हुआ है, डिफॉल्ट लोगो आपके लिए दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं इसमें आपके लिए एक साइज भी यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 313x79, मतलब ये साइज आपके लिए अपने लोगो के लिए बनानी है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपके लिए करना क्या है, आप चाहे तो कैनवा का यूज कर सकते हैं या आपके पास कोई और टूल है आप वहां से भी बना सकते हैं। मेरे लिए कैनवा थोड़ा सा कन्वीनियंट रहा करता है तो मैं इसको यूज करता हूँ। यहाँ पे आपको जो ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइड में क्रिएट डिजाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कस्टम साइज सिलेक्ट करना है। कस्टम साइज में हमारा क्या था 313x79, तो सिंपल सा आपको ये ही करना है और यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करना है। और आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये पूरा लोड हो गया। अब आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपल सा अगर आपको टेक्स्ट में डालना है तो आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं ग्लो वाला फॉन्ट यहाँ पे ले लिया करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दिया करता हूँ अनंत टेक्निकल। जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो आपको सिंपल सा यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इसको साइड बाय साइड आपको पूरा मिला देना है। और फिर भी आपका फिट नहीं हो रहा है तो आपको इसके फॉन्ट थोड़े से छोटे करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे अनंत टेक्निकल आपका ऑब्वियसली बात है लोगो, चाहे तो इतना सा ही आप लोगो लगा दीजिए या फिर इसमें आप कोई एलिमेंट वगैरह डालना चाहें। तो यहाँ पे मान लीजिए आप सिंपल सा टेक्निकल अगर चीजें डालना चाहते हैं तो सिंपल सा टेक्निकल सर्च कीजिए और यहाँ पे आप ग्राफिक सर्च कीजिए। ग्राफिक आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ गई। तो मान लीजिए ये जो एक छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज भी मैं अपने लोगो के अंदर डाल सकता हूँ। तो अगर आपका इस टाइप का कुछ है तो ये मान लीजिए इस टाइप से मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और ये जो इसकी साइज थी
वो थोड़ी सी मैं छोटी कर दूंगा। तो इस टाइप से मान लीजिए आपका ये लोगो बन गया, बाकी इसके कलर वगैरह आपको कुछ चेंज करना है, आपको इसका इफेक्ट वगैरह चेंज करना है। जैसे मैंने बहुत ही सिंपल लोगो अभी बना दिया और सिंपल सा आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए अगर आपका प्रीमियम अकाउंट होगा तो आप उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो आप सिंपल ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इस टाइप से लोगो हमारा दिखाई दे रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना फॉन्ट वगैरह सारी चीजें कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम फिर से जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करना है। जो भी फाइल आपने डाउनलोड की है वो फाइल आपकी मान लीजिए डाउनलोड्स में है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर दूंगा और मैं इसको कर दूंगा सेव। ठीक है, सेव हो गया। अब आपका यहाँ पे हम रिफ्रेश करके भी चेक कर लिया करते हैं कि हमारा लोगो यहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोगो भी आ गया है। ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पे साइज है उसके हिसाब से थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, नाम ज्यादा बड़ा रहेगा तो आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से भी आपके हिसाब से फिट बैठे वो आप यहाँ पे बना लेना। आपका लोगो बन गया। अब आपको बाकी जो भी चीजें चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ऑप्शंस जो रहेंगे, मतलब कहा जाए तो जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज आप तभी बना सकते हो जब आपके में ऑलरेडी लेबल बने हुए हों। तो अभी चूंकि हमारे में कोई भी लेबल नहीं है तो यहाँ पे ये सारी चीजें वो दिखाई दे रहे हैं जो थीम ने आपको डिफॉल्ट दिए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज आती है कि आपको कंटेंट लिखना है, क्योंकि मेन जो फंडा है वो यही है कि अगर आप कंटेंट यहाँ पे पोस्ट नहीं करोगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिलेगा। तो मेन जो चीज है कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा कंटेंट पोस्ट करना है। कंटेंट पोस्ट करने के लिए आपने मेरा अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो पुराने वीडियो में मैंने एक टूल आपके लिए बताया था, ये आप देख सकते हैं copywriter.ai करके, ये जो टूल था यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया था कि आप 20 यहाँ पे आर्टिकल फ्री में जनरेट कर सकते हैं और तकरीबन 700-800 के आसपास का वो आर्टिकल जनरेट होगा और वो यूनिक आर्टिकल रहेगा। इसी टाइप से आपको तकरीबन 20 आर्टिकल यहां से जनरेट करने हैं और वो आर्टिकल आपको एक ही दिन में पोस्ट नहीं करने हैं। तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको सिंपल सा वो 20 आर्टिकल, ऑब्वियसली बात है कि एक बार में ही कहा जाए तो एक ही दिन में आप पूरे आर्टिकल जनरेट कर लेना, क्योंकि यहां पे जो है वो 7 दिन का टाइम मिलता है। तो अगर आप भूल गए या कहा जाए तो अगर आपके पास टाइम है कि डेली आप एक दो कर सकें तो वो आप कर सकते हैं। मेन जो एक चीज आती है कि आपके लिए कुछ ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ेगी जो आपकी ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहा जाए तो बहुत ही चीपेस्ट आपके लिए बता रहा हूं, ये आप देख सकते हैं SEO टूल अड्डा करके है, इसकी मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे क्या रहा करता है, जो भी प्रीमियम टूल्स हैं वो आपके लिए बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनवा का भी यहाँ पे प्रीमियम है 199 रुपीज पर मंथ में। इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं RF टूल है, सेमरस टूल है, और इसी टाइप के बहुत सारे यहाँ पे टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसका कॉम्बो प्लान ले लिया करते हैं, जैसे मैंने ऑब्वियसली बात है कॉम्बो प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं 599 पर मंथ का यहाँ पे एक्टिवेटेड है। अगर आप ये लिया करते हैं तो आपके लिए थोड़े से और बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मंथ का क्या है, दो मंथ का क्या है, तीन मंथ का, तो इसमें आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा सेव हो जाता है। मैंने जो लिया है मैंने वो 3 मंथ वाला लिया है। तो सिंपल सा एक बार आप लेके 3 महीने के लिए छोड़ दो ताकि आपके लिए 3 महीने के लिए कोई भी टेंशन ना रहे। तो यहाँ पे आपका खर्चा थोड़ा सा लगेगा, तकरीबन 1599-1600 रुपए तकरीबन आपका जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर थोड़ा बहुत आपको करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये टूल्स का यूज नहीं करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपल से जो उबर सजेस्ट है, उबर सजेस्ट का यूज कर सकते हो, या इसी टाइप के कीवर्ड रिसर्च वाले मैंने बहुत सारे टूल्स आपके लिए बताए हैं। सिंपल सा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्चिंग सर्च करना, तो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड आपके लिए सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे RF टूल आपको यूज करना है तो RF टूल में जाके आप एक कीवर्ड फाइंड कर लेना, किस टाइप के आपको ब्लॉग लिखने हैं। मान लीजिए आप टेक्निकल हैं, मेक मनी ऑनलाइन बना रहे हैं, या कोई रिव्यूज बना रहे हैं, Amazon के प्रोडक्ट के रिव्यूज बना रहे हैं, तो सिंपल सा वो चीज फाइंड करके और वो आप यहाँ पे वो सारे आप जनरेट कर लेना। आर्टिकल मान लीजिए आपने सारे जनरेट कर लिए। अब जनरेट करने के बाद क्या है, आपको नेक्स्ट चीज आएगी कि आपको पब्लिश करने हैं सारे आर्टिकल्स। पब्लिश करने के लिए आपको क्या करना है, तो पब्लिश करने के लिए आपको सिंपल सा जाना है पोस्ट में,
पोस्ट में अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भी पोस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको जो ये साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू पोस्ट का, सिंपल सा इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक लेआउट दिखाई देगा जहां पे आपको टाइटल दिखाई देगा और यहाँ पे आपको अपना कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे जनरेट किया था वही आर्टिकल हम अभी फिलहाल के लिए ले लिया करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है मैंने लिखा था हाउ टू जनरेट अ यूनिक आर्टिकल, इसको ही मैं यहाँ पे ले लिया करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया टाइटल, और टाइटल ऑब्वियसली बात है आपको चीजें थोड़ी सी अच्छी तरीके से लिखना है। और जो इसका कंटेंट था, कंटेंट में एक आपके लिए ऑब्वियसली बात है इमेज चाहिए पड़ेगी। तो इमेज आप कैनवा में भी जनरेट कर सकते हो। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या बनाया था, लोगो बनाया था। आप यहाँ पे बैक जाइए और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा जो बैनर बनाना है, बैनर की या तो आप खुद एक कस्टम साइज बना लीजिए या फिर आप यहाँ पे सिंपल सा वेबसाइट बैनर सर्च कीजिए। तो आपको वेबसाइट बैनर्स आप किस किस टाइप के बना सकते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ एक खुद रिकमेंड करेगा कि किस टाइप के बैनर्स आप बना सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के कुछ इसने बैनर्स दिखा दिए हैं, जो भी आपके लिए इनमें से पसंद आ जाता है वो आप एक ले सकते हैं। तो मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए ये वाला ले लिया करता हूं मैं, और इसी को हमको सिंपल सा एडिट करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो इमेज थी ये हमारी लोड हो गई है, और यहाँ पे जो हमारा था वो था हाउ टू जनरेट अ यूनिक आर्टिकल, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लिया करते हैं। यहाँ पे इसका नेम भी हम चेंज कर दिया करते हैं, साथ में यहाँ पे कर दिया करते हैं हाउ टू, ये आपका हाउ टू हो गया। इसके बाद आपको चाहिए है जनरेट अ यूनिक आर्टिकल, तो ये जो चीज है ये हम नीचे यहाँ पे लिख दिया करते हैं, इसको कंट्रोल ए किया, और ये आपको इसका थोड़ा सा आपको फॉर्मेटिंग वगैरह ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका बन के तैयार हो गया। नीचे का जो पार्ट है वो हम फिलहाल के लिए हटा दिया करते हैं। तो ये जो है ये मैंने एक बैनर आपके लिए एग्जांपल दिखाया है, आप अपनी वेबसाइट वगैरह का नाम भी यहाँ नीचे डालना चाहे डाल सकते हैं। और ये सिंपल सा आपको इस टाइप से बना के, और ये मैंने सिंपल सा यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप चाहे तो इसको टीनी पीएनजी में थोड़ा सा कंप्रेस कर लेना, या फिर यहाँ पे ही एक ऑप्शन होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेस्ड फाइल लोअर क्वालिटी, तो आप चाहे तो ये जो लोअर क्वालिटी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी जो डाउनलोड करूंगा वो एकदम बहुत ही लो क्वालिटी का होगा, लेकिन कहा जाए तो उसकी क्वालिटी यहाँ पे लो दिखा रहे हैं, उसकी साइज कम रहेगी लेकिन क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो आप चाहें तो ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमको सबसे पहले डालना है इमेज, तो यहाँ पे जो आपको इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो हमने इमेज यहाँ पे डाउनलोड की है सिंपल सा इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और आपके जैसे इमेज अपलोड हो जाती है आपको सिंपल सा यहाँ पे सिलेक्ट पे कर देना है, आपकी इमेज यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, आप इसकी रिसाइजिंग वगैरह करना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। हमारी इमेज आ गई। अब इमेज के बाद जो नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है आपको कि यहाँ पे आपके लिए कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट आप कैसे लेके आ सकते हैं, तो कंटेंट के लिए मैंने ऑलरेडी मैंने आपके लिए बता दिया कि कंटेंट जो है वो आप इस टूल से जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो भी हमारा कंटेंट है ये हम यहाँ से इतना कॉपी कर लिया करते हैं, यहाँ से मैंने किया कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम जाते हैं अपने पोस्ट में, यहाँ पे मैंने पूरा पोस्ट कर दिया। देख सकते हैं आप पूरा का पूरा पोस्ट यहाँ पे बन गया है। ये कहा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूं। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहले डालना है लेबल्स। तो ये क्या चीज है, किस चीज से है? मान लीजिए ये जो था ये हमारा ब्लॉगिंग से रिलेटेड था, और इसके बाद आप अगर और भी कुछ यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे कर दिया करता हूँ आर्टिकल राइटिंग, ये हमारी एक और यहाँ पे कैटेगरी बन गई। तो इस टाइप से आपको कुछ कैटेगरीज बना लेना है और आपको इसको पब्लिश कर देना है। यहाँ पे मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल हमारा यहाँ पे आ गया है, और यही पूरा आर्टिकल मैं अपनी वेबसाइट पे भी चेक कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हाउ टू जनरेट अ यूनिक आर्टिकल, साथ में एक इमेज आ गई जो कि हमने कस्टम इमेज बनाई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल आ गया, साथ में शेयर वगैरह करने का ऑप्शन है, नीचे यहाँ पे कमेंट के ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए टू जेड सारा चीज हो गया है। सिर्फ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट जो चीज बची है वो है मेनू चेंज करना। तो मेनू चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है लेआउट में। लेआउट में आपके लिए एक मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा, मेनू आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हेडर मेनू का, यहाँ पे देख सकते हैं हेडर मेनू दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपको लिंक लिस्ट जो आपको दिखाई दे रही है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे
ये वही सारे ऑप्शन हैं जो आपके ब्लॉग में यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं होम फीचर्ड आ रहे हैं, फीचर्ड के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने आ रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, फिर डाउनलोड दिस थीम। तो ये वही ऑप्शन आ रहे हैं जो कि आपकी साइट में ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप चाहें तो ये सारी चीजें हटा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन्हीं को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए होम तो ऑब्वियसली बात है हमारा होम पेज ही रहेगा, उसको आपको नहीं छेड़ना है। सेकंड जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे लिखा है फीचर्स लिखा हुआ है, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के पहले मान लीजिए यहाँ पे हमको ब्लॉगिंग कैटेगरी डालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लॉग था, तो मान लीजिए ये जो हमारा ब्लॉग था इसमें यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं दो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो टैग्स हैं वही आपकी कैटेगरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ब्लॉगिंग वाला है इस पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कर लेना है कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस किया, अब आपको यहाँ पे जो फीचर दिखाई दे रहा है इसको हम एडिट करते हैं। फीचर की जगह हम अपनी कैटेगरी का नाम लिख दिया करते हैं ब्लॉगिंग, और जो यहाँ पे हैश लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने अपनी लिंक पेस्ट कर दी और मैंने इसको सेव कर दिया। इसी टाइप से दूसरी कैटेगरी मैं बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा, मुझे करना है आर्टिकल राइटिंग, तो यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे जो ये वाला है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये कहा जाए तो ये ड्रॉप डाउन वाला है। और अगर आप इसके बाद अगर जो मेन वाले हैं वो आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर दिया करता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं चेंज कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सिंपल सा कर दिया करता हूँ आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे, और जो जहाँ पे हैश था यहाँ पे मैंने लिंक डाली और मैंने इसको कर दिया सेव। इसके बाद मैं एक और जगह यहाँ पे चेंज करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फीचर्ड लिखा हुआ था उसके अंडर मैं भी आर्टिकल राइटिंग में ऐड कर दिया करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी ड्रॉप डाउन जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसके नीचे वाला है मल्टी ड्रॉप डाउन। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आगे एक यहाँ पे अंडरस्कोर लगा हुआ है ये आपको नहीं हटाना है, इसी के थ्रू आपका ड्रॉप डाउन जनरेट होता है, तो ये नहीं हटाना है। और यहाँ पे आपको जो ये अंडरस्कोर के बाद वाला है यहाँ पे मैं लिख दिया करता हूं जो भी मेरा आर्टिकल राइटिंग जो भी था मेरा नाम था कैटेगरी का वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया आर्टिकल राइटिंग, और जो लिंक थी वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर दिया करता हूँ, मैंने इसको कर दिया सेव, देन मैंने कंप्लीट सेव कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपको क्या कैटेगरीज दिखाई दे रही थी, होम फीचर्ड, फीचर्ड के अंदर दिखाई दे रहा था मल्टीपल ड्रॉप डाउन, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज किए हैं, एक मैंने इसका नाम चेंज किया है, इसको मैंने ब्लॉगिंग कर दिया है, फिर मैंने इसका नाम चेंज किया है, और साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा है इसका भी चेंज किया है। यहाँ पे हम इसको करते हैं रिफ्रेश, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आर्टिकल था वो ऑब्वियसली बात है आर्टिकल आ गया, साथ में यहाँ पे जो मैंने ब्लॉगिंग था वो ब्लॉगिंग चेंज किया था, कोई इस ब्लॉगिंग पे क्लिक करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लॉगिंग कैटेगरी के अंदर आ गया, साथ में यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग जो मैंने चेंज किया था इस पे कोई क्लिक करेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल राइटिंग कैटेगरी के अंदर आ गए। साथ ही साथ आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं कि जो हमारा URL है वो URL भी साथ साथ चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ था ये भी मैंने चेंज किया था। ठीक है, तो इतना सा आपका सिंपल सा फंडा है, यही सारी चीजें आपको करना है। अब यहाँ पे इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं वो आपके लिए बता दिया करता हूं। यहाँ पे आपको जाना है लेआउट में, लेआउट में आपको ब्लॉग पोस्ट दिखाई दे रहा है, आपको होम पेज पे कितनी ब्लॉग पोस्ट दिखाई देना है वो सारी चीजें आप यहां से एडिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पे लिखा है कि 7 आपके मेन पेज पे दिखाई देनी चाहिए, आपको 7 की जगह 5 करना है या 10 करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही है तो वो एक ही दिखाई देगा, लेकिन आपके जैसे 10 हो जाएंगे वो 10 आपके होम पेज पे भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे और भी इसमें जो भी आपके लिए देख सकते हैं कि मान लीजिए लिंक जो टेक्स्ट का लिंक रहेगा तो रीड मोर करना है, लर्न मोर करना है, जो भी चीजें आपको चेंज करनी है, आपको ऑथर का नाम यहाँ पे दिखाना है, डेट आपको दिखानी है कि नहीं दिखानी है, टाइम दिखाना है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आप पूरे ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेना, जो भी आपके हिसाब से बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे सेव कर देना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो फीचर्ड पोस्ट का ऑप्शन है आप यहाँ पे साइड बार में देखेंगे, किसी भी आर्टिकल के जब अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। साइड बार में जो भी चीजें हैं वो आपको कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्ड पोस्ट का आ रहा है, फॉलोअर्स का आ रहा है, अभी यहाँ पे हमारी फीचर्ड पोस्ट एक भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई फीचर्ड पोस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है।
आप जैसे यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट डालोगे तो यहाँ पे ऊपर फीचर्ड पोस्ट आएगा एंड देन उसके बाद जो है फॉलोअर्स का आएगा। फॉलोअर्स में आपको जाना है, यहाँ पे सिंपल सी इसकी लिंक्स आपके लिए चेंज कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक की लिंक पड़ी हुई है, ट्विटर की पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम की पड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें आपको सिंपल सा यहाँ पे जाके लिंक चेंज कर देनी है और वही लिंक आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो आपके उस सोशल मीडिया अकाउंट पे चला जाएगा। साथ में यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट आ रहा है, ये जो चीजें आपको नहीं चाहिए हैं वो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, सब्सक्राइब अस का जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको एक रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये जो सब्सक्राइब अस वाला ऑप्शन आ रहा था ये यहाँ से हट जाएगा। मैंने इसको किया रिफ्रेश और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जो ऑप्शन था मेरा सब्सक्राइबर्स वाला वो चीज हट गई। तो यहाँ पे आपकी इच्छा है कि क्या आप दिखाना चाहते हो, कमेंट्स दिखाना चाहते हो, मेन टैग्स हैं या सर्च दिस ब्लॉग है, एडसेंस के एड्स वगैरह आप इनको इनेबल करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें आप डालना चाहते हैं। कोई भी चीज नहीं डालना है वो सारी चीजें आप हटा भी सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेबल्स पे क्लिक किया, मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे रिमूव पे क्लिक किया, ओके किया, लेबल्स जो थे वो लेबल्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है पावर्ड बाय ब्लॉगर के बाद यहाँ पे लेबल्स दिखाई दे रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये जो लेबल्स हैं ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो जो भी चीजें आपको नहीं चाहिए हैं वो सारी चीजें आप खुद ब खुद पूरी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको कुछ पेजेस की जरूरत पड़ती है। अगर आपको गूगल एडसेंस में अप्लाई करना है तो आपके लिए कुछ ना कुछ पेजेस की जरूरत पड़ती है। वो पेजेस आपके कौन से होते हैं, तो जैसे आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, एक आपके लिए चाहिए है अबाउट अस, सेकंड चाहिए है कॉन्टेक्ट अस, फिर आप ये एफिलिएट अर्निंग और अर्निंग डिस्क्लेमर छोड़ दीजिए, फिर आपको चाहिए है प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, ये दोनों पेज आपके लिए रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग की लिंक भी दे के रखी है, इस टाइप का आपको ब्लॉग दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें रिकमेंडेड होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको एडसेंस में अप्लाई करना है तो 18 साल का होना चाहिए, इसके बाद आपकी साइट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कहा जाए तो जो साइट है वो आपके नाम पे शो हो तो वो बेहतर है, अगर आपके नाम पे शो नहीं हो रही है तो उसका कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। इसके बाद जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यूनिक कंटेंट होना चाहिए, आपकी साइट का नेविगेशन बहुत शानदार होना चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेविगेशन है, आप सिंपल सा इतना नेविगेशन रखिए, आप इतने अंदर मत चीजें अभी पोस्ट करना जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एक यहाँ पे कहा जाए तो सब मेनू आया, उसके बाद यहाँ पे एक और सब मेनू आया, तो इतना ज्यादा डीप में आपको नहीं बनाना है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एक आपको मेन मेनू बनाना है और उसके अंदर सब कैटेगरी रहेंगी। यहाँ पे भी आप मेनू बना सकते हो, सब कैटेगरी, यहाँ पे आपको इतना ज्यादा डीप अभी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नया ब्लॉग है, मुश्किल से 20-25 ब्लॉग होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर और बहुत ही शानदार जो इजिली नेविगेट हो जाए वैसा आपके लिए मेनू यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का मेनू चाहिए है और ऑब्वियसली बात है कि फेक ट्रैफिक आपके में नहीं आना चाहिए। अगर ट्रैफिक कम भी है तो वो चलेगा, क्वालिटी कंटेंट है तो वो आपके कंटेंट को देख के समझ में आ जाएगा कि ये कंटेंट अच्छा है या नहीं है, यूनिक है, कि आप फालतू की फेक ट्रैफिक या कहा जाए तो ट्रैफिक एक्सचेंज टाइप की साइट में अभी डाल के रखें। अब बाद में ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ये पूरा ब्लॉग आप पढ़ लेना, मैं लिंक दे दूंगा। तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो एक और लास्ट चीज बची है कि आपके लिए पेजेस बनाना है, तो पेजेस आप कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सा जैसे आप ब्लॉग बनाते हो वैसे पेज बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। अब जो भी आपके लिए पेज बनाना है, मान लीजिए आपको अबाउट अस पेज बनाना है, तो सिंपल सा यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट अस, और फिर आपको अपने बारे में जो भी आपका कंटेंट है अबाउट अस में, जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो जैसे मेरा ये जो कंटेंट दिखाई दे रहा है, मैं सिंपल सा अभी के लिए यही यहाँ से कॉपी कर लिया करता हूँ और यहाँ पे जाके आपको इसको पेस्ट कर देना है। इसी टाइप से ये मैंने एक ही बार किया है, ऐसे 3-4 बार मैंने पेस्ट कर दिया। आपको अपना कंटेंट यूनिक जनरेट करना है, मतलब जो कहा जाए तो मेन जो पेजेस हैं अबाउट अस, ये जो पेजेस हैं आपके लिए थोड़ा सा अच्छे बनाने हैं, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो इस टाइप से सिंपल सा आप इसको पब्लिश कर दीजिए। मैंने यहाँ पे कंफर्म किया
आपका पेज यहाँ पे बनके तैयार हो गया और आप यहाँ पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब जो आपको इमेजेस वगैरह लगानी है वो सारी चीजें आप लगा सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एड्रेस था, यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट का URL रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है /p/aboutus.html। इस टाइप से आपका पेज बन गया। अब इस पेज की लिंक आप चाहे तो फुटर में या फिर आप चाहे तो यहाँ पे भी हेडर में भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाउनलोड दिस टेम्पलेट, तो सिंपल सा यहाँ पे भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं सिंपल सा आप लेआउट में जाइए, लेआउट में जो आपका मेनू था यहाँ पे जो आपको लिंक लिस्ट दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो हमारा था ये डाउनलोड दिस टेम्पलेट, तो मैं सिंपल सा इसको एडिट कर दिया करता हूं और यहाँ पे मैंने लिखा अबाउट अस और जो लिंक थी ये लिंक मैं यहाँ से चेंज कर दिया करता और मैंने इसको किया सेव, यहाँ पे किया सेव। यहाँ पे मैं फिर से जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ और अभी मैं होम पेज पे चलता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन था वो अबाउट अस आ गया है। कोई भी इस अबाउट अस पे क्लिक करेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अबाउट अस पेज यहाँ पे आ गया। तो इसी टाइप से मैंने आपको बता दिया ब्लॉग कैसे बनाना है, मैंने आपको बता दिया पेज कैसे लगाना है, मीनू कैसे लगाना है, इमेज कैसे बनाना है, लोगो कैसे बनाना है। एक ब्लॉग के लिए जितनी चीजें होती हैं वो सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी, यहां तक कि मैंने ये भी बता दिया, मैंने वो वीडियो की लिंक दी है वो भी आप देख लेना। बाकी एक रफ आइडिया मैंने सारी चीजें आपके लिए बता दी, डाउनलोड कहां से करना है, थीम मतलब स्टार्टिंग में बनाने से लेके ब्लॉग पोस्ट करने तक का सारा प्रोसेस मैंने आपके लिए बता दिया। अब आपको यहाँ पे एडसेंस वगैरह में अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे मेरे चैनल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ एडसेंस और एडसेंस से रिलेटेड जितने वीडियो होंगे वो आपके लिए मिल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% अप्रूवल गूगल एडसेंस, तो गूगल एडसेंस में अप्रूवल कैसे लेना है मैं इस वीडियो की भी लिंक दे दूंगा और साथ ही होगा तो मैं ब्लॉग की भी लिंक आपके लिए दे दूंगा। तो सिंपल सा आप इसको देख के और गूगल एडसेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको अप्लाई करना है, जैसे ही आपका अप्लाई हो जाता है देन आपको ऐड कैसे करना है, सिंपल सा कोड वहां से उठाना है अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देना है। और कहा जाए तो ब्लॉगर में आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन होता है अर्निंग का। आप यहां पे देख सकते हैं अर्निंग का ऑप्शन है, आपका जो भी गूगल एडसेंस रहेगा वो डायरेक्ट आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट आपको कहीं भी प्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपके में ऑटोमेटिक एड शो होने लगे। मतलब आपको अगर आप मैनुअली कहीं ऐड करना चाहते हो तो आप कीजिए, अगर आप मैनुअली नहीं ऐड करना चाहते हैं तो गूगल अपने हिसाब से ऑटो एड्स वो शो करता रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, लेकिन तब है जब आपका एडसेंस अप्रूव हो जाए और उसके बाद ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें जो मुझे लगती थी वो सारी चीजें मैंने बता दी। इसके अलावा मैंने कुछ और टैब भी खोल के रखे थे कि अगर आप कैनवा में नहीं बनाना चाहते, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने सिंपल सा एक फोटो को 2 मिनट में बना लिया, आप चाहें तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल सी इमेजेस फाइंड करना चाहते हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये pixel.com को सर्च कर सकते हैं, pixabay.com करके है इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जिस टाइप की भी आपको इमेज चाहिए है वो आप इमेज यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर लीजिए। मान लीजिए आपको टेक्निकल चाहिए है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा टेक्निकल सर्च किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल से रिलेटेड इतनी सारी इमेजेस आ गई। जो भी इमेज आपके लिए लगती है, मान लीजिए जो भी इमेज आपके लिए लग रही है ये स्टूडेंट वाली है, इसको आप सिंपल सा यहाँ पे जो भी साइज आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इमेज हमारी डाउनलोड हो गई और यहाँ पे ये इस इमेज को भी आप यूज कर सकते हैं। और इसी टाइप से ये आपका पिक्सावे भी है, पिक्सावे में भी जो भी आपको इमेज चाहिए है वो डाउनलोड करके आप यहां से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इमेजेस अगर आपके लिए ब्लॉग के लिए चाहिए हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए बोलूंगा, जैसे आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मेरे ब्लॉग में मैं क्या करता हूं, मैं जो भी इमेजेस बनाता हूं सारी की सारी मैं कस्टम इमेजेस बनाता हूं। कस्टम इमेजेस का एक बहुत शानदार बेनिफिट ये होता है कि आपको कभी भी कॉपीराइट का कोई इशू नहीं रहा करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इमेजेस रहेंगी मेरी वो इमेजेस सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्लॉग पे ही दिखाई देंगी, ये इमेज आपके लिए किसी और ब्लॉग पे मिल ही नहीं सकती क्योंकि ये इमेज मैंने कस्टम बनाई हुई है अपने हिसाब से। जो भी मुझे टेक्स्ट कलर लोगो वगैरह या जो भी आपको यहाँ पे ग्राफिक वगैरह दिखाई देने जो भी मुझे लगाना है वो सारी चीजें मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा और अपने हिसाब से मैं बनाऊंगा। बहुत से मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से मैं ब्रांडिंग भी दिखाई देगी कि अनंत सोनी। तो ये सारी चीजें जो है ये आप
कैनवा में बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे मैं इसके नीचे अगर वेबसाइट की लिंक भी देना चाहूँ तो मैं सिंपल सा इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर दिया करता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपनी वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो जो मेरी वेबसाइट का anantvijaysony.in जो भी मेरी वेबसाइट का नाम है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो इसके थोड़े से फॉन्ट हम छोटे कर देते हैं, नेम जो है ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आप सिंपल सी इमेजेस बना सकते हैं, यूनिक इमेजेस आपकी बना सकते हैं। ये जो इमेज है, मान लीजिए ये जो आपको इमेज लगी हुई है ये आपको पसंद नहीं आ रही है, सिंपल सा आप एलिमेंट्स में जाओ, यहाँ पे जिस टाइप की भी आपको इमेज चाहिए है, मान लीजिए मनी इमेज, मनी टाइप का कोई ब्लॉग है उसके लिए चाहिए है, तो सिंपल सा आप मनी सर्च कीजिए, ये जो इमेज थी ये आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये जो थी इसको आप ऐसे फिट कर दीजिए, और आप चाहें तो इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको फ्लिप कर दिया और आपका ये जो इमेज थी वो इस साइड आ गया, और आप इसकी पोजीशन कर दीजिए, तो मैंने इसको बैकवर्ड कर दिया, अब आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो गई। तो सिंपल सा काम है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपका ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों फ्रेंड फैमिली जो लोग भी पैसे कमाना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।